चलोगे? चलिए, तो एडिशन रिएक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग को बेटा पढ़ना था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ओजोनोलिसिस। चलिए इसके पहले एक बात करते हैं, कल से बड़े मैसेज आ रहे हैं, सिलेबस रेड्यूस, सिलेबस रेड्यूस। तो भैया जो रिडक्शन इन सिलेबस है वो बायो में तो फायदा मिल रहा है, केमिस्ट्री में तो कोई खास फायदा नहीं। केमिस्ट्री में अपन लोगों को सारे चैप्टर्स ही डील करने हैं, चैप्टर के नाम पे पॉलीमर हटा है ना हटाते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ना हटाते भैया, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो उससे अपन को कोई खास फायदा नहीं। बकाया सारे चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, और चैप्टर्स के बीच बीच में हेडिंग्स हटाई गई हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस हटा दिया है जो हम लोग पढ़ा था, और उसमें क्या कहते हैं कोरोजन हटा दिया है, गैल्वेनिक सेल हटा दिया है। तो पढ़ाना तो सब कुछ ही है, बस ये है कि जो चैप्टर खत्म होता है 6 क्लासेस में वो खत्म हो जाएगा 4 क्लासेस में, अगर उन हेडिंग्स को हम नहीं पढ़ाएंगे तो। मजा तब आता जब ये पूरे के पूरे चैप्टर को ही गायब करते तो मजा भी आता है। ये तो बदतमीजी हो गई, सीधे लिखते रिएक्शन मैकेनिज्म हटा दिया है ना, या अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हटा दी, सॉलिड स्टेट हटा दिया, केमिस्ट्री हटा दी। अब इन्होंने बड़ी बदतमीजी करी, भैया केमिस्ट्री कभी ना हटाए वरना हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। कभी ऐसा हुआ तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स बहुत अच्छी आती है बेटा। हो गया, तो जो फायदा मिलेगा ना वो बायो के अध्यापक को तो मिल रहा है, पूरे पूरे चैप्टर हटाए गए हैं, हम लोग को ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। क्या चलिए जैसा होगा देखा जाएगा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें कोई खास, अच्छा ऑर्गेनिक में कोई रिडक्शन नहीं है, वो सब बेकार की चीज। अब हेलो एल्कीन में CCl4 हटा दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारी ऑर्गेनिक में कोई रिडक्शन नहीं, जो भी रिडक्शन किया है इन्होंने इनऑर्गेनिक में किया है स्पेशली ग्रुप्स में, और आपका किया है थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में हेडिंग्स हटाएंगे, और ऑर्गेनिक में जो बेकार के चैप्टर्स होते हैं वो हटाए हैं, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम लोग को ज्यादा फायदा नहीं मिलना है, हम लोग को मतलब केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है। देवरा हम लोग बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोन दैट इज ओजोन लिसिस ब्रेकिंग, ओजोन के द्वारा हम एल्कीन को ब्रेक करेंगे, द फिनोमिना इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। ये जो ओजोनोलिसिस है बच्चों, ये 2 स्टेप कन्वर्जन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एडिशन ऑफ ओजोन, कॉपी बंद रखिए सब लिखा हुआ है। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, आपका फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने होगा। क्लियर? जैसे देखिए जरा, जैसे देखिए बेटा, मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया एल्कीन का, ये आपने इसमें पहला काम कराया एडिशन ऑफ ओजोन, क्या होगा, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ने कटेंगे, एल्कीन 2 टुकड़ों में टूट गया, कितने टुकड़ों में, 2, RCH अलग हो गया, CH2 अलग हो गया, 2 वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई, 2 वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई। ओजोन के 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन बैक साइड से अटैक करेंगे, 1 ऑक्सीजन फ्रंट साइड से अटैक करेगा, और इस प्रकार से इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ये बन गया आपका ओजोनाइट। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, एडिशन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइट, डबल बॉन्ड कटेगा, 2 ऑक्सीजन बैक साइड, 1 ऑक्सीजन फ्रंट साइड, ओजोनाइट का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग कराएंगे इसका सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, ये सेकेंड स्टेप है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या हुआ,
सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कुछ निराले अंदाज से होती है, समथिंग लाइक दिस। ध्यान दीजिए, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, दोनों ने हाथ मिला लिया, RCH डबल बॉन्ड O, दैट इज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसी को प्रॉब्लम तो ही? नेक्स्ट, यहां पे देखिए इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, इस बॉन्ड के कटने से ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई, दोनों ने अपना हाथ मिला लिया, CH2O, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। इसका फॉर्मेशन हो गया, बोलो हाँ या ना, और हम कहेंगे कि हमारी ओजोनोलिसिस कंप्लीट हो गई। मतलब हमारी ओजोनोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट होता है कार्बोनिल कंपाउंड, आइदर एल्डिहाइड और कीटो। क्लियर? अब सवाल ये उठ रहा था कि ये जो ओ बचा, इस ओ को ये H2O ले लेता है और H2O2 के रूप में अलग हो जाता है। आपको मालूम है H2O2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरी ओजोनोलिसिस खत्म हो गई है, प्रोडक्ट हमारा बच गया है, बन गया है। जिंक डस्ट का कोई यूज अभी दिखाई नहीं पड़ा, इसका यूज है। H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर ये H2O2 बर्तन में पड़ा रहा तो ये बने हुए एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान रखिए, कीटोन पर कोई प्रभाव किसी भी ओए का नहीं पड़ता है, लेकिन एल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मतलब अगर ये H2O2 बर्तन में पड़ा रहा बेटा, तो ये इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा RCOOH में, और हमारी पूरी मेहनत क्या हो गई? बेकार हो गई। तो ये ओजोनोलिसिस का मेन यूज होता है एल्कीन को कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन में तब्दील करना। तो H2O2 कीटोन को तो प्रभावित नहीं करता है, लेकिन एल्डिहाइड को बर्बाद कर देता है। इसलिए बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिंक डस्ट। ये जिंक डस्ट क्या करता है, इस H2O2 के अंदर से ऑक्सीजन को घसीट लेता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगा H2O2, ना होगा इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक डस्ट, ये बने हुए H2O2 को खत्म करने का काम करता है। अगर ओजोनोलिसिस में आप जिंक डस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ मत करिएगा, बने हुए एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा सुनना, आपने ओजोनोलिसिस के दोनों स्टेप भली भांति देखे, एडिशन ऑफ ओजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड, देन हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड, सब आपने देखा। अब एग्जाम में अगर कभी ओजोनोलिसिस पे सवाल आ गया तो ऐसे करोगे तो काफी समय बर्बाद हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका डायरेक्ट मेथड क्या है। एल्कीन से सीधे बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड, वेरी सिंपल, बहुत आसान है ओजोनोलिसिस। देखिए, डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है, RCHO ये देखिए बन गया, और HCHO ये देखिए। क्लियर? तो कभी भी ओजोनोलिसिस कराना हो बिल्कुल पेन नहीं लेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को काटेंगे और एक एक ऑक्सीजन को बांटेंगे, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बनेगा। बार बार क्लियर हो गई? ओके, कॉपी खोलेंगे, जब हम बताएंगे वो लिखिएगा, कॉपी खोलिए। ओजोनोलिसिस, इट इज टू स्टेप प्रोसेस, एडिशन ऑफ ओजोन पहला स्टेप हो गया, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। आइए अपने कॉपी पर डबल बॉन्ड को काटते हुए दिखाइए, यहां पर ओजोनाइड को काटते हुए दिखाइए, बाकी सब कुछ आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ आपकी कॉपी पर लिखा हुआ है। सबने लिख लिया जो मैं कहूंगा वो? तो ये हो गया कंसेप्चुअल तरीका फॉर ओजोनोलिसिस। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट
काटते हुए दिखाई चुके हो, एक एक ओ बांटते हुए दिखा दीजिए, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दिखाई पड़ जाएगा। किसी बच्चे को डाउट, इधर बैठ जाओ, जरूर इधर ही बैठो, इधर बैठो सेकंड थर्ड रो पर, ठीक है, ओके। अच्छा, आपकी सीट में, आपकी सीट में यहां पे जगह खाली पड़ी होगी, इसमें नहीं, उस वाले में, बेटा उस वाले में, यहां पे जगह खाली पड़ी होगी तो यहां पे आप लिखिए, लिखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इफ वी नॉट यूज जिंक पेन, जगह खाली पड़ी आपकी कॉपी में, लिखिए, इफ वी नॉट यूज जिंक डस्ट देन फॉर्म्ड एल्डिहाइड, फॉर्म्ड एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इंटू एसिड, फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इंटू एसिड। और जहां पर आप ये लैंग्वेज लिख रहे हैं उसके नीचे अच्छा रहेगा अगर आप इसको भी लिख दें, उसके नीचे अच्छा रहेगा अगर आप इसको भी लिख दें। सीट नहीं है आपके पास? अरे मेरा सीट कैसे पढ़ोगी? एडजस्ट कर लो, नहीं दे रहा हूं, जल्दी से आओ, टाइम थोड़ी ना है, बैग उठाओ फटाक से, चलते हुए आओ, सेकेंड रो बच्चे के पास बैठो जाके, थोड़ा इसको दिखाते रहो सीट पे, ओके बेटा, बेटा पॉइंट बेटा क्लियर हो गया, चलिए आइए। तो ओजोरोलिसिस, आज मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका है। पहला स्टेप होगा एडिशन ऑफ ओजोन, दूसरा स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस बाय जिंक डस्ट। डायरेक्ट कैसे कराएंगे, मेरा साथ दिया करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को काटो और एक एक ऑक्सीजन बांटो, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड पर। बच्चों अगर जिंक डस्ट नहीं लोगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बने हुए एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे एसिड में, ये वाली रिएक्शन। कीटोन पर कोई फर्क है? किसी को डाउट बेटा? अच्छा चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब ये जो ओजोरोलिसिस आपने हमसे सीखा है, आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तीन क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, तो चार क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है, हटा दें इसको। आइए तीन क्वेश्चन मैं करूंगा, आप एक बार हमको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, इस पर हमने ये डाला, मेरी पूरी क्लास पहले ये बताएगी तुम कैसे पहचाने कि तुम्हें ओजोनोलिसिस करानी। एरो के ऊपर नीचे देखो, ओजोनोलिसिस का रिएजेंट लिखा हुआ है, हमें ओजोनोलिसिस करानी है। डायरेक्ट तरीका चीखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो, बस। उम्मीद है आपको दिखाई पड़ गया, CH3CHO एल्डिहाइड और CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3 एसिटाइल्डिहाइड बन गया और एसीटोन बन गया, ठीक है। देखिए बेटा, देखो बच्चों, वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया है, फिर भी थोड़ा सा हम आपकी स्पीड बढ़ाने का काम करना चाहेंगे, आप देखना चाहेंगे। देखिए, जिस जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसको तुम काट कर ओओ बांट रहे हो, एक आपकी स्पीड बढ़ेगी बस। अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड में बदलेगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन में बदले। वैसे मैंने ये बताकर मैंने कोई विशेष काम नहीं कर दिया है, बोलने से कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में स्ट्राइक तो करती है चीजें। अगर हाइड्रोजन है तो CH3CH डबल बॉन्ड ओ दैट इज CHO, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो C डबल बॉन्ड ओ दैट इज कीटो। बड़ा क्लियर है पॉइंट? अच्छा,
हम कुछ और दिखाना चाहेंगे। पहला एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अच्छा ये दिया गया है, बहुत सारे सवाल हैं बच्चों, देखिए अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सॉरी अब दिमाग में कीटों नहीं चल रहा है ना, पूरी क्लास में फिर से बोल दे यहां पे क्या लिखा होगा, ओजोन हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय जिंक डस्ट। देखिए टेक्निक हमारी पूरी क्लास को मालूम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो। दिखाई पड़ गया बेटा, HCHO, तो टू मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, हाँ या ना? अब तुम लोग बताओगे क्या इन कार्बन के पास हाइड्रोजन है, सब लोग बोला करो, है नहीं है? तो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन में तब्दील हो गया। बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी को? बहुत आसान है, ओजोनोलिसिस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को काटो और एक एक ऑक्सीजन को बांटो, ठीक। अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड CHO में जाएगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो C डबल बॉन्ड O कीटोन में जाएगा। क्लियर है? चल तीसरा एग्जांपल मैं फिर से करना चाहूंगा, इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं ऊपर, किसी को लिखना तो नहीं है, शिफ्ट करें बेटा, शिफ्ट कर दिया भाई। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, शायद बेंजीन दिया है, मैं तीन सवाल मैं करूंगा बस, बाकी आपको करने। देखिए बेटा बेंजीन में सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? होता है। आपने इसका ओजोनोलिसिस कराया, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। बेंजीन का ओजोनोलिसिस हम तब कराते हैं जब हमारी मजबूरी होती है। हम क्या कहना चाहते हैं समझिएगा, मान लीजिए कोई कंपाउंड हम आपको यह बनाकर दे दें, और आपसे कहा जाए इसकी ओजोनोलिसिस कराइए। देखिए आपके पास बेंजीन के अलावा भी डबल बॉन्ड है, तो फिर आप इस बेंजीन का ओजोनोलिसिस नहीं करवाएंगे। यहां पर देखिए बेंजीन के अलावा कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो हमारी मजबूरी है, हमें बेंजीन की ओजोनोलिसिस करानी पड़ी। अगर बेंजीन के बाहर आपको डबल बॉन्ड मिल जाते हैं तो फिर बेंजीन की ओजोनोलिसिस हम नहीं कराते। क्लियर बेटा? चल यहां पे तो कराना पड़ेगा, आइए बच्चों कराते हैं, बोलते जाओ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो। अब देखना सब लोग, CHO एल्डिहाइड में बदलेगा क्योंकि हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड CHO, इसका नाम होता है बच्चों ग्लाइऑक्सल। कोई हेल्प नहीं हो पाती है, याद होने चाहिए नाम, क्या होने चाहिए यार, ग्लाइऑक्सल CHO सिंगल बॉन्ड CHO। नेक्स्ट देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHO दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा, फिर देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHO, देन यू गेट थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल। एनी प्रॉब्लम बच्चों? ग्रुप चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही होता है। आप चाहे इसको ऐसे लिखें, चाहे आप इसको खोलकर ऐसे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? तो आपको मिल गया थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाई ऑक्सल। फिर देख लीजिए CHO सिंगल बॉन्ड CHO, CHO सिंगल बॉन्ड CHO,
CHO सिंगल बॉन्ड CHO थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोक्सिन राइट। चलिए ओजोनोलिसिस आप समझ में आ जानी चाहिए। अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो उसे CHO में बदलोगे और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो C डबल बॉन्ड O कीटोन में बदलोगे। ठीक। चलिए इसी के नीचे चौथा और पांचवा एग्जाम्पल आपको करना है। इसी के नीचे चौथा और पांचवा एग्जाम्पल आपको करना है बेटा। एक मिनट का समय मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तैयार है सभी लोग? सभी लोग तैयार है बेटा? आइए जरा देखते हैं क्या बनेगा। क्या मेरी क्लास तैयार है? सब लोगों ने कर लिए हैं। आइए, ये बच्चों टॉल्यूल आपको दिया गया है, इसमें पांचों कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, बस इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, आपने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। आइए डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो। डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ऑक्सीजन बांटो। तैयार है पूरी क्लास? देखते हैं। सी एच ओ सिंगल बॉन्ड सी एच ओ फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिन CHO सिंगल बॉन्ड CHO सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिन CHO सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 एम आई राइट? किसी को डाउट बेटा बोलो। कोई डाउट बेटा किसी को? सामने देखेंगे। अभी अभी मैंने ऊपर भी दिखाया था और ये बात आपको महीनों पहले से मालूम है, इवन सालों पहले से मालूम है। सीएचओ एल्डिहाइड या कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ होते दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप है। यहां पर भी सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं। अब ग्लाइऑक्सिल में आपने क्या किया, एक एच को हटाकर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, तो इसका नाम बच्चों क्या बन गया, मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। देखो बेटा इसका नाम तो आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका नाम याद नहीं करना, ये तो बनाना है आपको। ग्लाइऑक्सिन के एच को सब्स्टिट्यूट कर दिया मिथाइल से, तो नाम हो गया मिथाइल ग्लाइऑक्सिन। क्लियर है? आगे बढ़ते रहिए। पूरी क्लास बताएगी क्या बेंजीन के अंदर के बॉन्डों को तोड़ोगे? बोलो। नहीं तोड़े, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बॉन्ड काटा, ओओ बांटा, बॉन्ड काटा, ओओ बांटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होंगे, ये सी डबल बॉन्ड ओ में बदलेगा, बोले तो साइक्लोहेक्सेनोन प्लस सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ पूरी क्लास जानती है, दिस इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, हा या ना? प्लस फिनाइल सी डबल बॉन्ड ओ के एक वैलेंसी पे फिनाइल लगा और दूसरी वैलेंसी पर मिथाइल लगा। हमें थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है? देखिए बेटा, तीसरा कंपाउंड बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, एक वैलेंसी पे सी एस थ्री लगा है
और एक वैलेंसी पर फिनाइल लगा है। तो इसका जब आपने ओजोनोलिसिस कराया, आपको तीन प्रोडक्ट मिले हैं, साइक्लोहेक्सेनोन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और एसिटोफिनोन मिला। बड़ा इसका नाम बोलिए, बहुत याद करवाया है, ना याद हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एसिटोफिनोन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन। कितने लोगों के दोनों सही गए? हाथ लंबे खड़े होने चाहिए, क्या बात। अगले दो सवाल, एक मिनट का समय मिलेगा, ऐसे जवाब देते रहिए, ऊपर वाला सिलेक्शन करवा देगा। बस अगले दो सवाल, आपको एक मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, वेरी सिंपल और उतना ही भाई जी इंपॉर्टेंट। बहुत सवाल आते हैं, आप समझ, क्या मेरी क्लास तैयार है? सब लोगों ने दिमाग लगा लिया है? आइए, तैयार है सब लोग? देखा जाए, चलिए, सबसे पहला वही पॉइंट है, इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? है, और इसके पास भी है। तो जब आप इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये भी कार्बन बदलेगा सीएचओ में और ये भी कार्बन बदलेगा सीएचओ में, किसी को प्रॉब्लम? और दोनों सीएचओ के बीच में कितने सीएच2 लगे हैं? दो सीएच2 लगे, सीएचओ सिंगल बॉन्ड सीएच2, सिंगल बॉन्ड सीएच2, सिंगल बॉन्ड सीएचओ। कितने लोग का सही हुआ? पक्की बात है, क्या बात बच्चों, एक बार फिर से हो जाए, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? ये बदलेगा सी डबल बॉन्ड हो कीटोन में। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? ये बदलेगा सीएचओ में, बॉन्ड काटा ओ बाटा, देखना ये बदल गया सीएचओ में, फिर एक सीएच2 आया, दो सीएच2 आया, तीन CH2 आया, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 CHO, एक CH2 आया बीच में, दूसरा CH2 आया, तीसरा CH2 आया, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। कितने बच्चों का सही गया? अब बताना सही सही, मेरे एक्स्ट्रा बोलने से फायदा मिला कि नहीं? अगर हाइड्रोजन है तो उसे CHO में बदल दो, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो C डबल बॉन्ड O कीटोन में बदल। हर चीज का फायदा है, तभी तो बोलते हैं, ठीक। अच्छा भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप ओजोनोलिसिस कराना सीख गए, ठीक। अब देखो बेटा, सब लोग की नजरें सामने होनी चाहिए, सब ने लिख लिया? मैं हटा दूं बच्चों इसको, क्लास सब लोग बताओ हटा दे, ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई। आइए देखेगा नहीं देखेगा, अब है नहीं देखेगा, अब दिख रहा है? दिख रहा है बेटा, है? अच्छा दादा, देखो हम यहां पे क्यों हम लेकर आए, आप इन लास्ट के दो एग्जांपल को देखिए और इसके पहले आप में जितने एग्जाम्पल करे आप उनको देखिए। जब भी ओजोनोलिसिस होती है, एल्कीन दो तीन टुकड़ों में टूट जाती है, मतलब बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन की संख्या हमेशा कम होती है। इसीलिए बेटा ओजोनोलिसिस का यूज करते हैं फॉर डिसेंडिंग द सीरीज। बेटा बोलो किसमें? जैसे कपलिंग रिएक्शन का यूज करते हैं
कार्बनों की संख्या बढ़ाने में ओजोनोलिसिस का यूज करते हैं, कार्बनों की संख्या घटाने। लेकिन जनाब जरा पूरी क्लास लास्ट के ये दो एग्जाम्पल देखे, जब इनका ओजोनोलिसिस हुआ तो जितने कार्बन रिएक्टेंट के पास है उतने ही कार्बन प्रोडक्ट के पास। यस, साइक्लो मोनो एल्कीन एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जिसका ओजोनोलिसिस कराने पर कार्बन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी साइकिल के अंदर एक डबल बॉन्ड है तो ओजोनोलिसिस कराने पर कार्बन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गए, जब तक एक डबल बॉन्ड है तब तक प्रोडक्ट में कार्बन चार ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर से दो टुकड़ों में टूट जाए। तो पूरी क्लास बताइए, ऐसा कौन सा एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस कराने पर कार्बन की संख्या पे फर्क नहीं पड़ता? साइक्लोमोनो एल्कीन। क्या एक रिजल्ट आपको क्लियर हो गया? रिजल्ट नंबर टू, रिजल्ट नंबर टू, जरा इस वाले एग्जांपल को देखो। यहां पे डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन पर है, इसे हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटेड डाइईन। हाँ या ना? हाँ या ना? क्यूमुलेटेड डाइईन का जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं देन वन प्रोडक्ट इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड। यस, अगर ओजोनोलिसिस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो डंके की चोट पर कहना आपकी एल्कीन कौन सी एल्कीन है? क्यूमुलेटेड डाइईन। बड़ा किसी को प्रॉब्लम है? चलिए नोट्स देखिए। देखिए पहला पॉइंट लिखा है, ओजोनोलिसिस इज यूज्ड फॉर डिसेंडिंग द सीरीज। हाँ या ना? साइक्लोमोनो एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस सेम कार्बन कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ या ना? क्यूमुलेटेड डाइईन ऑन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाई एस वन ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ या ना? कभी भी इसका ओजोनोलिसिस कराओगे आपको एक प्रोडक्ट हमेशा क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए, आपने ओजोनोलिसिस बड़े अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग जा रहे हैं इसकी बैक ट्रेसिंग पर। आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा ओजोनोलिसिस का और एल्कीन बच्चों आपसे पूछा जाएगा। बड़े महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम लोग पहुंच गए हैं। कॉपी फिर से बंद होनी चाहिए। देखा जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना आप सीख गए हो, अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना हम सिखाने जा रहे हैं। देखिएगा, सब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा और अच्छी फीलिंग आएगी। ये मैंने आपको एल्कीन दिया, मैंने कहा इसका ओजोनोलिसिस कराइए, आपने डबल बॉन्ड को काटा, एक एक ऑक्सीजन बांटा। ये देखिए एल्डिहाइड बन गया और ये दूसरे मॉलिक्यूल का भी एल्डिहाइड बन गया। किसी को प्रॉब्लम? हमें पहले से मालूम था कि जब इसका ओजोनोलिसिस होगा तो बनने वाले प्रोडक्ट में कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। चूंकि दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड में बदलेंगे, हमें पहले से मालूम था। अब सुनना, अब एग्जामिनर ने सवाल क्या किया, ये हटा दिया और आपको दे दिया प्रोडक्ट। तो फील करो बेटा, तुमने डबल बॉन्ड को काटकर एक एक ऑक्सीजन जोड़ा था। हाँ या ना? तो अगर बेटा हम लोग क्या करें, अरे हम लोग क्या करें, इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को एक दूसरे के तरफ ऐसे रख दें कि इनके कार्बोनिल ग्रुप
एक दूसरे की तरफ हो जाए और फिर धीरे से हम इन दोनों ओ को हटा दें और इसको डबल बॉन्ड से इससे जोड़ दें, तो क्या डायरेक्ट हमको हमारी एल्कीन प्राप्त नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। तुमने डबल बॉन्ड को काट कर एक एक ओ बांटा, हमने दोनों ओ को हटा के कार्बन कार्बन को जोड़कर एल्कीन बना दिया। बोलो हाँ या ना। इसे कहते हैं चोंच से चोंच लड़ाओ। बोलो क्या? बोलो क्या? चोंच से चोंच लड़ाओ। तुम क्या करो, दोनों प्रोडक्ट की जो चोंचे हैं, चोंचे का मतलब फंक्शनल ग्रुप, दोनों प्रोडक्ट की चोंचों को एक दूसरे की तरफ रख दो और धीरे से दोनों की चोंचों को घसीट लो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जोड़ दो, आपकी एल्कीन आपके सामने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, चोंच से चोंच। हमारी बड़ा बात क्लियर हो गई? तो कभी भी ओजोनोलिसिस का बैक ट्रेसिंग करना हो, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, चोंच से चोंच लड़ा। दोनों प्रोडक्ट को एक दूसरे की तरफ ऐसे करके रख दो कि उनके फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठ जाए, धीरे से दोनों से O2 हटा दो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो। Am I right or wrong? क्लियर? अभी मैंने एक रफली एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए, अब मैं आपकी कॉपी का एग्जाम्पल ले रहा हूं। ए ओजोन, अच्छा एक बात और देख लीजिए, ये भी देख लो। सेकेंड स्टेप में आप लोग हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, आप उसके स्थान पर डीएमएस का भी यूज कर सकते हैं, डाई मिथाइल सल्फाइड। आपको याद है जब ओजोनाइड बना था तो बीच वाले ओ को वाटर ने ले लिया था और वो H2O2 में बदल गया था। अगर आप डीएमएस लेते हैं तो बीच वाले ओ को डीएमएस ले लेता है और ये डीएमएसओ में बदल जाता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्लियर? तो चाहे ले लो पानी इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, चाहे ले लो डीएमएस, डाई मिथाइल सल्फाइड। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन आया, हमें टू मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन प्राप्त हुए, बताइए ये एल्कीन क्या होगी? प्लीज सामने देखिए, कितने एसीटोन है? दो। वो तो होना ही था क्योंकि आफ्टर ओजोनोलिसिस एल्कीन के दो टुकड़े तो हो ही जाते हैं, राइट? हमने क्या किया, चोंच से चोंच लड़ाओ, दोनों एसीटोन को ऐसे रखा कि उनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके हो जाए और धीरे से मैंने इनकी चोंचों को, बहुत लड़ा रहे थे, आओ बेटा आओ ले, दोनों चोंचों को पकड़ के घसीट के काट के फेंक दिया, ठीक, और कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, आपकी एल्कीन आपके सामने। ये आप इसका IUPAC नाम भी कर सकते हैं, 2.3 डाई मिथाइल ब्यूट 2। क्या आपको बैक ट्रेसिंग समझ में आई? बेटा ये लिखना चाहे ना लिखना, ये जरूर लिखना। हाँ, चोंच से चोंच लड़ाओ। क्लियर भैया? एग्जाम में यही याद आएगा, पूर्वासन ने कहा था चोंच से चोंच लड़ा, मान जाओ मेरी बात, ठीक है? पहला बेसिक एग्जाम्पल आपको बताया चोंच से चोंच लड़ा। यहां पे चोंच का तात्पर्य है फंक्शनल ग्रुप से, दोनों के फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे की तरफ मुंह करके रख दो, O2 को हटा दो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़।
सब लोग तैयार हैं? एक सवाल मैं और करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैक ट्रेसिंग, ध्यान रखिएगा। जितना इंपॉर्टेंट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, उतना ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को बनाना। चलिए एक एग्जांपल हम और करते हैं, इसको हटा दूं। हटा दे बेटा इसको, आज्ञा दे दे प्रभु, हटा दे इसको। अच्छा देवी जी बताइए, आशीर्वाद दीजिए, हटाए। अच्छा बहुत बढ़िया, अभी आशीर्वाद देंगे, ले भाई। चलो अब एक सवाल और कर देते हैं हम, ये भी आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है। और इन्होंने लिखा है साइक्लोहेक्सेनोन कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड, प्लीज लिसन टू मी। रिएजेंट को देखकर पूरी क्लास समझ गई है दिस इज ओजोनोलिसिस। अब देखना, और जैसे ही तुमने देखा एक प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, हम तुरंत समझ गए दिस इज क्यूमुलेटेड डाइईन। सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो कि नहीं हो? अब जरा सब लोग देखना, देखना ये बच्चों साइक्लोहेक्सेनोन है, बहुत अच्छी बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड। देखो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो बेटा है ये डबल चोचू कंपाउंड, क्योंकि इसके पास कितने कार्बोनिल ग्रुप है? दो। ये इधर भी नैन मटक्का करेगा और इधर भी करेगा। और सबसे विशेष बात देखो, तुम लोग पे गया है, इधर वाले को इधर का पता नहीं, इधर वाले को इधर का पता नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रोडक्ट में कभी भी कोई डबल चोचू कंपाउंड आ जाए तो उसको रखना बीच में। बोलो कहां? दूसरे वाले को इधर से नैन मटक्का कराना और तीसरे वाले को इधर से करा देना, और धीरे से तुम चुपके से जाना, पता ना चल पाए, और साइलेंट पकड़ के ले। चोस हटा दी, लालो साले तो आओ ठीक, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। सीधे देखो आपकी एल्कीन आपके साथ, कोई डाउट है? तो इस एग्जाम्पल से तुमने नया क्या सीखा कि अगर कोई डबल चोचू कंपाउंड मिले तो उसको बीच में रखोगे या किनारे रखोगे? और बकाया वालों को किनारे किनारे लगाना, O2 हटा देना, डबल बॉन्ड से जोड़ देना, आपकी एल्कीन आपके सामने। ठीक है लिख लो, ऐसे मत देखो, लिख लो। लिख लिया है? अच्छा कितनी अच्छी हो तुम। अच्छी तो ये दूसरा एग्जाम्पल भी हमने आपको दिखाया, पहले एग्जाम्पल से बेस क्लियर किया, चोच से चोच लड़ाओ, और दूसरे एग्जाम्पल से ये क्लियर किया अगर कोई डबल फंक्शनल ग्रुप वाला हो, डबल चोचू कंपाउंड हो, तो उसको कहां रखोगे बेटा? क्लियर? चल कितना सरल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बहुत सरल है, 45 में 45 सवाल सही किए जा सकते हैं, जरूरत सिर्फ एक है, लगन से पढ़िए और पोरवाल जी से पढ़िए। ठीक है चलिए आइए, अगर ये समझ में आपको आया है, एक सवाल आपको देते हैं जो पेज नंबर 18 पे आपको करना है। तैयार है पूरी क्लास? या ऐसा करते रुक जाओ एक मिनट पहले देते हैं, ओजोनोलिसिस रिवाइज कर लो सारे एग्जाम्पल, बैक ट्रेसिंग वाले भी और उसके पहले वाले भी, फिर देंगे।
जल्दी से देख लो बेटा, सारे एग्जाम्पल देख लो। देख लिया, और समय चाहिए नहीं चाहिए? क्वेश्चन दिया जाए, सवाल लिखिए। वन मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव टू मोल ऑफ एन एल्डिहाइड हैविंग मॉलिकुलर वेट 44 U, फुल स्टॉप। द एल्कीन इज, मैं एक अक्षर नहीं बताऊंगा, जो बच्चे कल आए होंगे क्लास में, हमने कुछ प्रैक्टिस कराई थी कल, आपको याद है, उसी पर सवाल है। सवाल को पहले सिंबलाइज करिए, सवाल क्या कह रहा है सोचिए जरा पहले। एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, मान लिया R CH डबल बॉन्ड CH R। अब इसकी ओजोनोलिसिस कराई, 2 मोल एल्डिहाइड आपको प्राप्त हुए। एल्डिहाइड का मॉलिकुलर वेट दिया गया है, तो सबसे पहले यह पता करिए कि उस एल्डिहाइड में कुल कितने कार्बन होंगे। कल ही मैंने ये सब सिखाया है आपको। या कुछ देखिए, छोड़िए, आइए मैं करता हूं। बच्चों, इन्होंने बोला है सिमेट्रिकल एल्कीन है, आपने मान लिया वो सिमेट्रिकल एल्कीन ये है। आप लोग सोच रहे होंगे हमने सिमेट्रिकल एल्कीन यही क्यों माना, हम सिमेट्रिकल एल्कीन ये भी तो बना सकते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, 20 से काटने पे 2 बराबर भागों में बटेगा, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, 20 से काटने पे 2 बराबर भागों में बटेगा, लेकिन इसका जब ओजोनोलिसिस कराओगी तो एल्डिहाइड मिलेगा, और इसका जब ओजोनोलिसिस कराओगे तो कीटोन मिलेगा।
एग्जामिनर ने क्या बोला, इट गिव टू मोल ऑफ एन एल्डिहाइड, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये होगा, हाँ या ना। जब बच्चों आपने इसका ओजोनोलिसिस कराया तो जाहिर सी बात है एस यूजुअल डबल बॉन्ड को काटो, एक एक ओ बांटो, आपको आर सी एच ओ के कितने मॉलिक्यूल मिल गए, दो। इन्होंने बोला ये जो एल्डिहाइड आपको मिल रहा है इसका मॉलिकुलर वेट 44 है, तो बताइए ये एल्कीन क्या होगी। वेरी सिंपल, एल्डिहाइड का मॉलिकुलर वेट बराबर हम लिख सकते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ एल्किल ग्रुप प्लस 12 और 1 13, 13 और 16 29। तो यहां से मॉलिकुलर वेट ऑफ एल्किल ग्रुप आ गया, कोई बताएगा, 15। वैसे तो रटा होना चाहिए 15 होता है मिथाइल ग्रुप का, फिर भी मान लीजिए आपको नहीं आता है तो इसको ओपन करिए। एल्किल ग्रुप का जनरल फार्मूला होता है Cl(H2n+1) बराबर 15, कार्बन रखो 12, 12n+2n+1 बराबर 15, तो n बराबर 1। मतलब बच्चों इस एल्किल ग्रुप के पास एक कार्बन होगा, मतलब ये CH3 होगा, और अगर ये CH3 होगा, अगर ये CH3 होगा तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, इट इज टू ब्यूटी। व्हाट इज द आंसर, अगर ये टू ब्यूटीन है बच्चों तो ये आपका क्या है, एल्डिहाइड। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपको ये कल समझ में आया होता तो आप कर लेते, कल ही मैंने आपको ये सिखाया था, और एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार केस करवाए थे हमने इसके ऊपर। घर पे नहीं पढ़ेंगे तो फिर जिससे पढ़ लीजिए, होना कुछ नहीं, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड, मॉलिकुलर वेट कितना दिया बच्चा बोलो, 44। तो इसका मॉलिकुलर वेट बराबर होगा मॉलिकुलर वेट ऑफ एल्किल ग्रुप प्लस मॉलिकुलर वेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप 29। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ एल्किल ग्रुप 15 आ गया। अब इसके पास कितने कार्बन है, आप इसका फार्मूला जानते हैं CnH2n+1 बराबर 15, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12n+2n+1 बराबर 15, n बराबर 1। तो इस एल्किल ग्रुप के पास कितने कार्बन है, एक, एक कार्बन का एल्किल ग्रुप होता है CH3, तो यहां लगा दो CH3 तो ये मिल गया, और यहां लगा दो CH3 तो ये मिल गया। ओके होगी बात। अब चलिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, ओजोनोलिसिस का ब्रह्मास्त्र। देखिए चूंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, तो ओजोनोलिसिस में जानते बच्चों हमें ऑप्शन से बड़ी हेल्प मिल जाती है। अगर कभी भी ध्यान सुनना, ओजोनोलिसिस पर बैक ट्रेसिंग का क्वेश्चन आए और मान लो तुम चोंच से चोंच लड़ाने में असमर्थ हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो हम कैसे चोचों को लड़ाएं और कैसे O2 को हटाकर रिएक्टेंट को बनाएं, तो बहुत ही आसान तरीका है, ऑप्शन को पकड़ो, साले की ओजोनोलिसिस कराओ, जिसकी ओजोनोलिसिस कराने पर वो वाला प्रोडक्ट मिल जाए वही तुम्हारा राइट आंसर। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ओजोनोलिसिस की बैक ट्रेसिंग का, क्योंकि तुम्हारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव। कभी भी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने में असमर्थ हो रहे हो तो ऑप्शन को पकड़ो, ओजोनोलिसिस कराओ,
जो प्रोडक्ट उससे मैच कर जाए वही एल्कीन तुम्हारा आंसर हो। इज इट क्लियर? पक्की बात है क्या? इतना क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? सब लोग बताओ। चलिए हटा दे। अब हम लोग ओजोनोलिसिस को खत्म कर चुके हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना भी सीख लिया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना भी सीखा, वाया चोच से चोच लड़ाओ। अब तीसरी हेडिंग की तरफ बच्चों हम लोग जा रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। देखिए हम लोग बेटा एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। पेन कॉपी बंद। देखिए सब, एल्कीन का जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअली में तीन स्टेपों में होता है। कितने स्टेपों में? तीन। जैसे ये मान लो बेटा कोई एल्कीन है, सब लोग देखेंगे, हमने इसके ऊपर फर्स्ट स्टेप का कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो फर्स्ट स्टेप के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं ओ विद वाटर। ओ विद वाटर कैन बी रिटन एज ट्वाइस ओ एच। पाई बॉल्ड कटा, एक ओएच इधर एक ओएच इधर, आपका प्रोडक्ट बन गया ग्लाइकॉल। बच्चों बोलो क्या बन गया? ग्लाइकॉल। जब किसी एल्कीन पर फर्स्ट स्टेप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले जाते हैं तो ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड कटेगा, एक ओएच इधर एक ओएच उधर। बच्चों के मन में आ रहा, हम कैसे जानेंगे ये फर्स्ट स्टेप का है कि सेकंड स्टेप का है? रटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है कि फर्स्ट स्टेप के ओए कौन से होते हैं, सेकंड स्टेप के ओए कौन से होते हैं। बेटा ये क्या करना पड़ता है? याद करना। अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी यह देखो कि प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, सिंपल बॉन्ड कटेगा, एक ओएच इधर एक ओएच इधर, ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा भाई सुनना, इसीलिए बेटा हम लोग फर्स्ट स्टेप को नाम देते हैं हाइड्रोक्सीलेशन। बोलो क्या नाम देते हैं? फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सी माने ओएच, लेशन माने एडिशन, एडिशन ऑफ ओएच इज कॉल्ड हाइड्रोक्सीलेशन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट सुनते रहना सब लोग। अगर बच्चों तुमने एल्कीन के ऊपर सेकेंड स्टेप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो सबसे पहले ये ग्लाइकॉल में बदलेगा, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फर्दर फर्स्ट स्टेप का डालोगे रिएक्शन यहां पर स्टॉप हो जाएगी, सेकेंड स्टेप का डालोगे रिएक्शन यहां स्टॉप नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। देखिए कैसे इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, समझ तो गए होंगे। आर सी एच ओ ये बन गया प्लस एच सी एच ओ ये बन गया। बोलो हायन क्लियर? अब देखिए विकास पुरवाल की ट्रिक्स तो कहीं लिखी नहीं मिलेंगी। मेरी पूरी क्लास रिएक्टेंट को देखे
और सेकंड स्टेप के प्रोडक्ट को देखे कुछ दिखाई पड़ा, दिस इज सिंपल ओजोन। यस, अगर तुमने एल्कीन पर सेकंड स्टेप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले तो ये मूर्खता पूर्वक काम मत करना, सीधे उस एल्कीन का करवा देना ओजोनोलिस सीधे, आपको डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखिए, इसीलिए विकास पोरवाल सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन को नाम देते हैं ओजोनोलिस। इतना क्लियर हो गया बेटा, सुन लेना। अगर तुमने एल्कीन पर थर्ड स्टेप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, ना रिएक्शन यहां रुकेगी, ना रिएक्शन यहां रुकेगी, बल्कि सेकेंड स्टेप में अगर कोई एल्डिहाइड बना होगा तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लकली दोनों ही एल्डिहाइड बने हैं तो दोनों ही फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, क्या मेरे स्टूडेंट विकास पोरवाल की कोई ट्रिक बताना चाहेंगे डायरेक्ट वाले को? ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक डस्ट। हाँ, जैसे ही तुमने देखा एल्कीन पर थर्ड स्टेप का ओए पड़ा है, तुरंत समझ जाना हमें ओजोनोलिसिस करानी है इन अब्सेंस ऑफ जिंक डस्ट। दैट इज, पहले ओजोनोलिसिस कराओ, ये बना ये बना, अबे ये कीटोन है तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, अबे ये एल्डिहाइड है साले को फिर से बदल दो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपके सामने थर्ड स्टेप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो पोरवाल सर का कहना है इट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक डस्ट। ये ट्रिक्स है बेटा, आपके प्रोडक्ट को सेकेंडों में बनाएंगे। क्लियर? अच्छा सुनते रहो, चलो बोलो 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 बोलो। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन को कहां रोकेगा? बोला करो हाइड्रोक्सीलेशन, पाई बॉन्ड कटा, एक कोवच इधर एक कोवच इधर। सेकंड स्टेप ओए क्या करवाएगा? बोला करो, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है बेटा, हम बहरे हो गए हैं। थर्ड स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा? ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक। मतलब पहले करा दी ना ओजोनोलिसिस, और अगर कोई एल्डिहाइड बने साले को फिर से बदल देना कार्बोक्सिलिक एसिड। रट गया? ऐसी तैसी ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक, अब सुनते रहना मेरी बात। अगर कभी किसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, मैंने क्या बोला, फॉर्मिक एसिड एस ए प्रोडक्ट बने, बेटा बोलो क्या बने? बेटा बोलो क्या बने? किस प्रोसेस में? ऑक्सीडेशन में। किस में बेटा? तो ये फॉर्मिक एसिड बेटा अपने आप, एक मिनट हम वापस ले आएंगे इसको, थोड़ा सा जरा लेफ्ट में सरकाना चाहेंगे, वापस ले आएंगे, अभी थोड़ी और जगह चाहिए है, थोड़ा और सरकाना चाहेंगे, छोटा नहीं करेंगे, जाओ। तो ये फॉर्मिक एसिड जो होता है इसका बच्चों ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बच्चों बोलो कौन सी गैस? अगर किसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में फॉर्मिक एसिड बने तो वो कभी जिंदा नहीं बचेगा, तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और वाटर। इसका रीजन भी देंगे थोड़ी देर के बाद। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? वापस सरकार के लिए आ रहे हैं वहीं पर, और फिर एक बार नोट पढ़ लेंगे हम लोग। आइए नोट देखिए, आइए ऑक्सीडेशन थ्री स्टेप प्रोसेस। हाथों में ब्लू पेन पकड़ लीजिए, ये काम करके दिखाइए।
फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोक्सीलेशन ट्वाइस OH, पाई बॉन्ड को काटते हुए दिखाइए, ग्लाइकोल बनाते हुए दिखाइए, दिखा दिया। सेकेंड स्टेप में ओजोनोलिसिस होती है, आप अपनी बुकलेट में ऐसे काटते हुए दिखाइए। ठीक, थर्ड स्टेप में कुछ हो नहीं रहा है, बस आप क्या करेंगे अपनी बुकलेट में फॉर्मिक एसिड के आगे ऐसे ब्रैकेट लगाइए और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन दिखाइए। यहां लिख दे रहे हैं CO2 और वाटर, ऐसे दिखा दीजिए। क्लियर? ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक डस्ट कर लिया। अब देखो, क्लियर है? आज के बाद भूल के दिखाना ऑक्सीडेशन है। हमने बहुत ही सिंपल भाषा में बताया, फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोक्सीलेशन, सेकेंड स्टेप इज ओजोनोलिसिस, थर्ड स्टेप इज ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक। ठीक, अब सुनना जरा, लॉजिकल बातें चलने जा रही, सोचो ना थोड़ा तो सोचो। अगर ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, सोचना, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में फॉर्मिक एसिड बना होगा। हाँ या ना? फॉर्मिक एसिड का मतलब है कि ओजोनोलिसिस कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड बना होगा। हाँ या ना? और फॉर्मेल्डिहाइड तभी बन सकता है जब डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे, कहां पर हो? अगर डबल बॉन्ड किसी चेन के बीच में लगा है तो कभी भी ओजोनोलिसिस कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा नहीं। जब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा तो फॉर्मिक एसिड भी नहीं बनेगा, और जब फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा तो CO2 भी। मतलब CO2 गैस का निकलना इस बात का सबूत है कि आपकी एल्कीन टर्मिनल एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? मतलब डबल बॉन्ड बीच में नहीं, किनारे पर है। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया पॉइंट? देखिए लिखा है, इफ CO2 इज इवॉल्व देन डबल बॉन्ड इज एट टर्मिनल पोजिशन। बेटा बताओ, तुम बताओ, कोई दिक्कत? ऐसी क्या कर रही थी है? समझ में आ गया? नहीं आया है अक्का? CO2 अगर निकल रही है मतलब क्या बना होगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तभी बन सकता है जब क्या बना होगा? बोलो। और फॉर्मेल्डिहाइड तभी बन सकता है जब डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर हो, तभी तो ओजोनोलिसिस कराने पे फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। बताओ ना? ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट, लास्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CO2। बहुत बढ़िया पॉइंट। तुमने एल्केन को ऑक्सीडाइज किया, तुम्हें एल्कोहल मिला, एल्कोहल को किया कार्बोनिल मिला, कार्बोनिल को किया एसिड मिला, और जानते हो बे, जब एसिड को करते हैं तो CO2 मिलता है। क्या तुम जानती हो? नहीं। CO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि CO2 में कार्बन अपनी चरम सीमा पर उपस्थित है। क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +4 हो सकता है, इसलिए CO2 को फर्दर ऑक्सीडाइज, तो लास्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी सवाल आ जाए धन से आंसर मानना कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों सहमत हो? सहमत हो सब लोग? बताओ। अच्छा, आइए, इसके बाद मेरे छात्रों के मन में एक ही विडंबना थी, हम कैसे पहचानेंगे ये फर्स्ट स्टेप का होगा या सेकंड स्टेप का? तो क्या करना पड़ेगा यार, क्या करना पड़ेगा? कॉपी देखिए,
फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फेंटस रिएजेंट Fe+2+H2O2 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड फॉलोड बाई NaHSO3 और बेयर्स रिएजेंट 1% कोल्ड एल्कलाइन के अमनो। अगर इनमें से तुमने किसी को भी डाला तो रिएक्शन कहां पे रोकोगे? ग्लाइकॉल पे। कहां पे रोकोगे? अब देखो, अगर तुम फेंटस रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे तो ये दोनों ओवेज ट्रांस पैटर्न में लगेंगे, एक को वेज से एक को डैश से, क्योंकि फेंटस रिएजेंट कहलाता है ट्रांस हाइड्रोक्सीलेशन। बोलो बेटा, जोर से बोलो, मतलब दोनों ओएच अपोजिट डायरेक्शन में हो। मोबाइल टूट गया, देखो देखो देखो, बच गया। और इसके अलावा कोई भी लोगे तो सिस हाइड्रोक्सीलेशन, दोनों ओएच सेम साइड पे लगाओगे, आइदर बोथ विद डैश और बोथ विद वेज। क्लियर? लर्निंग ट्रिक है, फेंटस में आता है टी। क्या आता है? टी। फेंटस में आता है टी, तो फेंटस वाले होते हैं ट्रांस, बाकी दोनों वाले होते हैं सिस। क्लियर हो गया? अच्छा सुनते रहो ना, ये जो साला बेयर्स रिएजेंट है 1% कोल्ड एल्केलाइन के एमनोफोर, दो बार बोलो, आवाज तो आ नहीं रही, इसका कलर होता है पिंक। बोलो कैसा होता है? बोलो कैसा होता है? और जब बच्चों इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, इसने सिस हाइड्रोक्सीलेशन किया, तो के एमनोफोर क्या हो गया? खत्म। और अगर के एमनोफोर खत्म तो पिंक कलर भी। इसीलिए बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। मतलब बोलो, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब है कि रिएक्टेंट के पास पाई बॉन्ड होगा अथवा नहीं होगा। अगर पिंक कलर डिसअपीयर हुआ मतलब रिएक्शन हुई, मतलब पाई बॉन्ड होगा। और अगर पिंक कलर डिसअपीयर नहीं हुआ मतलब रिएक्शन नहीं हुई, मतलब पाई बॉन्ड नहीं। हाँ या ना? मतलब बोलो। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पूरी क्लास देखो फिर से तीनों बोल डाले, फेंटस रिएजेंट ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड फॉलोड बाई NaHSO3 और बेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? 1% कोल्ड एल्कलाइन के। कलर बोलो, आफ्टर रिएक्शन पिंक कलर। टेस्ट ऑफ ट्रांस ग्लाइकोल कौन बनाएगा और बाकी दोनों क्या बनाएंगे? कोई दिक्कत? फर्स्ट स्टेप हो गया, अब चलते हैं सेकंड स्टेप। देखो बेटा, सेकंड स्टेप ओए को जैसे ही तुमने देखा तुरंत एल्कीन का करवा दिया ओजोनो। अब ये सेकंड स्टेप के कौन कौन से होते हैं तो आप पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ो इसको है? आप जानते ही अंग्रेजी है, इट्स लेम्यू रिएजेंट। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? चार बार नेट पर देखा, 50 बार बोलने का प्रयास किया, तब लिख पाए। सो बदतमीजी देखो, साला ई भी साइलेंट, साला एक्स भी साइलेंट। अबे सपने में आया था क्या मेरे कि ये साइलेंट होगा? इसको लेम्यू पढ़ा जाता है, इट्स लेम्यू रिएजेंट। ठीक है, तो व्हाट इज लेम्यू रिएजेंट? इट इज NaIO4 प्लस OSO4। बच्चों बोलो क्या होता है? NaIO4 प्लस OSO4। और दूसरा है लेड टेट्रा एसीटेट। बेटा बोलो क्या है? उसको तो पढ़ ही लोगे,
अगर इनमें से किसी को देखा दंड से करा देना सेकंड स्टेप ऑक्सी ओजोनोलिसिस। अब देखते हैं बच्चों थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारे पास है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम हॉट, KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम हॉट, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम हॉट। हॉट 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 सो हॉट दैट इज कॉल्ड हॉट क्यूब। आप जानते हो बच्चों, मैं जब भी तुमसे बोलूं आज के बाद हॉट क्यूब, समझ जाना KMnO4 इन एसिडिक मीडियम हॉट, KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम हॉट, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम हॉट। और बच्चों ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग यही होंगे, हॉट क्यूब। आज के बाद जब भी बोलूंगा हॉट क्यूब दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके तो इस प्रकार से हम लोगों ने एल्कीन का ऑक्सीडेशन पढ़ा। एक बार कॉपी बंद हो जाए, एग्जाम्पल पे पहुंचने वाले हैं, फटाफट बोलो बोलो। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन इज, सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन इज, थर्ड स्टेप इज ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक। बच्चों ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक डस्ट में बदतमीजी क्या हो जाती है, बने हुए एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक। फर्स्ट स्टेप के ओए कौन से क्लियर है, सेकंड स्टेप के क्लियर है, और थर्ड स्टेप के भी बच्चों बात क्लियर हो रही है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पलों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मैं करूंगा एग्जाम्पल, आप सिर्फ देखेंगे। आइए चलिए, पूरी क्लास बताएगी फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप। जैसे ही देखा फर्स्ट स्टेप तुरंत समझ गए, एक बॉन्ड कटेगा, एक ओएच इधर एक ओएच इधर, सिस या ट्रांस। अब बताओ कोई दम बची इसमें, एक ओएच को वैस से जोड़ोगे। अब बताओ बच्चों सरल हो गया कि नहीं हो गया, थोड़ा समय लगता है लेकिन चीजें सरल जरूर होती हैं। ट्रांस ग्लाइकॉल, नेक्स्ट नेक्स्ट ये दिया, मैंने इस पे डाला KMnO4 इन एसिडिक मीडियम हॉट। मेरी पूरी क्लास बताएगी फर्स्ट सेकंड या थर्ड है। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, थर्ड स्टेप है, मतलब ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक। सुनो बे, सबसे पहले करा दो ओजोनोलिसिस, डबल बॉन्ड काटो, एक एक ओ बांटो, और अगर कोई एल्डिहाइड बने तो साले को फिर से करा दो ऑक्सी। देखना देखना, डबल बॉन्ड काटा, एक एक ओ बांट। अब देखना ये तो बदला कीटोन में, तो इसके ऊपर थर्ड स्टेप का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बदला एलडी जो फर्दर ऑक्सी, एक ओ और मिल गया एमराइट। ये देखिए ये तो साइक्लोपेंटेनोन में ही रुक जाएगा, और ये बच्चों बेंजल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज हो गया बेंजोइक एसिड। बोलो हाँ या ना, बड़ा क्लियर हो गया पॉइंट। तीसरा
तीसरा सब लोग बताएंगे, और हमने इसमें डाला है NaIO4+KMnO। मेरी क्लास बताएगी सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप, जोर से बोलो, दिस इज लेम्यू रिएजेंट ऑफ थर्ड स्टेप, हाँ या ना? अगर ये थर्ड स्टेप का है, ओजोनोलिसिस विदाउट जिंक काटा, और ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, फिर से एक एक ओ दे दिया और एसिड में तब्दील हो गया बेटा, जल्दी से बता दो फॉर्मिक एसिड मिलेगा या CO2? जोर से बोलो, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू CO2+, अपने आप हो जाता है बेटा ये, ठीक है। तो अगर इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे आप, तो एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा और एक प्रोडक्ट बच्चों आपको ये। चले, तो इस प्रकार से आज हमारे छात्रों ने ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेशन को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया। अब बेटा हम लोग जा रहे हैं एल्कीन की चौथी रिएक्शन पर, दैट इज पॉलीमराइजेशन। भैया कहो तो पढ़ाए, कहो तो ना पढ़ाए, क्योंकि पॉलीमराइजेशन हट गया है, ए? छोड़ दे। अच्छा देखिए क्या है, चैप्टर तो हट गया भाई, पॉलीमर तो हट गया ना, नहीं हटा है, पढ़ा दे, पॉलीमर तो हट गया अब, लेकिन मैं चाहूंगा ये दो चार लिखे हुए देख लो, दो चार लिखे हुए देख लो, कुछ जा रहा है क्या? पॉलीमर का जो पूरा चैप्टर है वो नहीं पढ़ाएंगे, ये दो चार लिखे क्या? चुप 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 चुप, क्या कैंसिल हो गया? एक ही आदमी को बोलने दो यार, क्यों कब ले लिया वापस? अभी अभी हमारे पढ़ाते पढ़ाते वापस ले लिया, सालों को हमारी खुशी देखी नहीं जा रही है, है? अच्छा तो पढ़ो, फिर क्या है, आए आवाज नहीं में, चलो हम तो चाहते हैं बिल्कुल रिड्यूस ना करें, कुछ काहे तो कुछ जलन की भावना, वो कैसी साला बायो वालों को 10 रुपये हटा दिए गए, हमारा कुछ हटा ही नहीं गया, केमिस्ट्री वालों को तो लॉलीपॉप दिया गया हटाने के नाम पे, कुछ नहीं। बायो में बता रहे थे सुनील सर या गुप्ता सर बता रहे थे लगभग 10 चैप्टर हट गए, 10 चैप्टर यार बहुत बड़ी बात होती है, 186 पेज हमारे 186 पेज हटा दो तो ऐसा लगे केमिस्ट्री हट गई। चलो अब बात बंद करो, 10 मिनट और बचे हैं, इस हेडिंग को और देख लो, ठीक है बच्चों। देखो बेटा पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, अब बोलो ना आवाज नहीं, हंसी मजाक हो गया, ये तीसरा लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूं, गला बिल्कुल खत्म हो गया है, चिल्लाओ मत। जब बच्चों छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत सारे आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस फिनोमिना को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। फिर देखिए बहुत सारे N छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक
बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। बनाने वाले को मोनोमर और बनने वाले को पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं उन्हें मोनोमर कहते हैं, और जो बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है उसे पॉलीमर कहते हैं, और इस फिनोमिना को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग पॉलीमर का नाम कैसे लिखते हैं। देखो, पॉली लिख दो और प्लस कर दो नेम ऑफ मोनोमर, तो आपको पता चल जाएगा पॉलीमर का नाम। क्लियर? जैसे प्लीज सामने देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एथीन, ये IUPAC नाम है, और एथिलीन ये जनरल नाम, ये मोनोमर है। इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, तो कैसे जुड़ेंगे? पाई बॉन्ड कटा, जब पाई बॉन्ड कटा तो दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, और उस वैलेंसी से जुड़ते चले जाएंगे। क्लियर? कैसे? देखो, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, और इस फ्री वैलेंसी से इधर भी कार्बन की चेन लगती चली जाएगी, इधर भी कार्बन की चेन लगती चली जाएगी, और हम इसको ऐसे कर देते हैं। क्लियर? इस पॉलीमर का नाम कैसे लिखोगे? पॉली लिखो प्लस मोनोमर का नाम एथीन, पॉली एथीन को शॉर्ट में पॉलीथीन कह देते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं पॉली एथिलीन। यहां से बन गया ये वाला नाम, और यहां से बन गया ये वाला नाम। तो पहले ये बताओ, पॉलीमराइजेशन क्लियर हुआ? बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर जब बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इस फिनोमिना को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर और बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर का नाम कैसे लिखेंगे? पॉली लिखेंगे प्लस कर देंगे नेम ऑफ मोनोमर। ओके, हो गई बात? अच्छा, पहला एग्जांपल आपको समझ में आया, पाई बॉन्ड कटा, दोनों तरफ वैलेंसी फ्री हो गई, उस फ्री वैलेंसी से ये जुड़ते चले जाएंगे। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, मोनोमर को लिखते हैं और वैलेंसी को ऐसे करके होल एन कर देते हैं, दिस इज पॉलीमर। क्लियर? सुनते रहना। ये जो पॉलीथीन होता है ये दो प्रकार का होता है, LDPE और बच्चों HDPE, सामने देखते रहो। LDPE को कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, और HDPE को कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसका डेंसिटी कम होता है, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है तो वो सुनिए। LDPE जो होता है ये ब्रांच्ड होता है, और HDPE जो होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग से बनता है। बोलो, किससे बनता है? लीनियर मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग से। सामने देखते रहिए, जैसे ये पॉलीमर की चेन है जो लीनियर है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। दूसरी पॉलीमर की चेन, तीसरी पॉलीमर की चेन,
चौथी पॉलीमर की चेन, आप देखिए जब चेन लीनियर होती है उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है तो इसकी क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी होगी, इसकी जो पकड़ होगी काफी जबरदस्त होगी। इसे कहते हैं HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। सोचो ये जो आप लोग चेन बना रहे हैं पॉलीमर की, अगर ये लीनियर ना होकर इसमें जगह जगह पे ब्रांचें निकली, क्या निकली हो ब्रांच, सोचना जब दूसरी लगाओगे तो आप बताइए, जब तीसरी लगाएंगे तो आप बताइए ये पैकिंग ज्यादा एफिशिएंट होगी या ये पैकिंग। यहां पे जगह जगह पे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के कारण पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, इसकी डेंसिटी कम होगी, दिस इज LDPE। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन लीनियर मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, पैकिंग अच्छी होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, पैकिंग बेकार होती है, डेंसिटी कम होती है। ये चित्र बनाएंगे हाशिए पर, कहां बनाएंगे हाशिए, और ये चीज भी हाशिए पे लिखना, HDPE के ऑब्लिक में ये पॉइंट लिख देना और LDPE के ऑब्लिक में ये पॉइंट लिख देना, ठीक है, हाशिए पे बनाना, बीच में गड़बड़ मत करना, हाशिए पे बनाओ। ब्रांच स्ट्रक्चर LDPE, लीनियर मॉलिक्यूल की क्लोज पैकिंग HDPE, इतनी चीज कहां लिखोगे, हाशिए पर। क्लियर हो गया, आज की बात भूलोगे कि LDPE ब्रांच होता है कि लीनियर, जब लो डेंसिटी है तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता, कैसा होगा ब्रांच, और जो हाई डेंसिटी होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आपकी कॉपी में एक पॉइंट लिखा है, HDPE का फॉर्मेशन तब होता है जब पॉलीमराइजेशन जिगलर नाटा कैटालिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं। मेरा दो बार नाम बोलो, फिर से बोलो, सुन ले मेरी बात में, अगर तुम एथिलीन का पॉलीमराइजेशन सिर्फ गर्म करके करोगे तो LDPE का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अगर इसका पॉलीमराइजेशन जिगलर नाटा कैटालिस्ट की उपस्थिति में करोगे तो HDPE का फॉर्मेशन होगा। और जिगलर नाटा कैटालिस्ट क्या होता है, लिखा है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, फिर से बोलो, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, समझ में आया बे। अच्छा तुम लोगों ने ये वाला पॉइंट लिखा कि नहीं लिखा, ये वाला पॉइंट है, ये भी आप हाशिए में लिख सकते हैं, इतना पॉइंट लिखिए जरा, पहले हमने बताया नहीं तुमने लिखा नहीं, ये भी लिखिए। पॉलीमर का नाम कैसे लिखते हैं, पॉली लगा देते हैं और नेम ऑफ मोनोमर लिख देते हैं, लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखा था ना, अब लिखने नहीं देंगे, जाओ लिख लिया करो, बता रहा है। बहुत सारे मोनोमर जब आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिनोमिना कहलाता है पॉलीमराइजेशन, बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर, छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर कहते हैं। अगर एथिलीन का पॉलीमराइजेशन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कराओगे तो LDPE का फॉर्मेशन होगा, और जिगलर नाटा से करवाओगे तो HDPE का फॉर्मेशन होगा। अपने दिमाग से बताओ, HDPE हाई डेंसिटी लीनियर से बनेगा या ब्रांच से, लीनियर में ब्रांच पैकिंग होगी अच्छी, डेंसिटी होगी ज्यादा। बच्चों आपकी कॉपी में NCERT के यूज लिखे हैं,
पॉलीथीन का यूज लिखा है प्लास्टिक बैग बनाने में, बोलो हाँ या ना। सब्जी लाते हो बे? नहीं लाते हो? दूध का पाउच लाते हो? नमस्ते इंडिया, यही है पॉलीथीन। एक्सक्यूज बोतल, रेस्टोरेंट में जाके सॉस जिस बोतल में रखा होता है, एक्सक्यूज बोतल पॉलीथीन। इलेक्ट्रिक वायर, बेटा बोलो क्या? ना देखा हो देख लो। इलेक्ट्रिक वायर की जो कोटिंग होती है लोहे के तार के ऊपर, ये कोटिंग किसकी होती है? पॉलीथीन की होती है। इसके अंदर पॉलीथीन नहीं है, वो मेटल है। क्या है? मेटल आर द गुड कंडक्टर, करंट लग सकता है, इसलिए प्लास्टिक की कोटिंग कर देते हैं। तो क्या क्या यूज होगा बे? थैला लाने में, एक्सक्यूज बॉटल बनाने में, और इलेक्ट्रिक वायर की कोटिंग। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला एग्जाम्पल लिखा है विनाइल क्लोराइड। बच्चों इस ग्रुप का नाम बोलो। है हमने लगा दिया सीएल, नाम बोलो। विनाइल क्लोराइड मोनोमर, बहुत सारे मॉलिक्यूल जोड़ूंगा, जोड़ने का तरीका वही पुराना, दोनों की वैलेंसी फ्री हुई, इसको कर दो होल। नाम बोलो बे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी को कहते हैं पीवीसी। क्या कहते हैं? इसका यूज देखो, वाटर पाइप और ग्रामोफोन रिकॉर्ड। बच्चों आपके घरों में जो वाटर की पाइप लाइनिंग बिछी होती है, पुराने जमाने के लोग लोहे के पाइप बिछाया करते थे। लोहे के पाइप एक तो कॉस्टली आते थे और उसमें जंग अंग लगने का खतरा रहता था। आजकल चल रही है पीवीसी पाइप, मजबूत भी बहुत होते हैं और जंग लगने का कोई खतरा भी नहीं होता। तो आप देखिए पानी की टंकी जो छत पे रखी होती है, वहां से जो हम लोग पाइप बिछाते हैं अपने पूरे घर पर, वो पाइप मोस्टली पीवीसी पाइप होते हैं। क्या होते हैं? ग्रामोफोन रिकॉर्ड, पुराने जमाने के बाबा जमाने वाले ऐसे घूमता रहता था, याद आया? बहुत पुराने वाले वाला, दिलीप कुमार वाला, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। क्लियर है? तो वो भी किसका बनता है? इसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बहुत महंगे आते हैं ये, आज आप लेने जाएंगे तो बहुत महंगा होगा। नहीं, तुम्हारे पापा के जमाने में था, हमारे जमाने में था। जबरदस्ती छेड़ना मत हमको, बिकॉज आई एम नॉट टीचर। ठीक है, हमें दोस्त समझो, सिर्फ क्लास के अंदर, बाहर नहीं गले में हाथ डाल लियो, ऐसा ले लाद गिरा के। ठीक है, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड। और देखो बच्चों ये क्या होता है? विनाइल, ये लगा दिया इसके, नाम बोलो बे, विनाइल। बच्चों इसका एक नाम और भी होता है, एक्राइलोनाइट्राइड। बेटा बोलो, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, पाई बॉन्ड काटा, क्या स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सुनो बे, इसे कहोगे पॉलीविनाइल साइनाइड या पॉलीएक्राइलोनाइट। परंतु सुन लो, पॉलीविनाइल साइनाइड से शॉर्ट फॉर्म मत बनाना, क्योंकि अगर उससे तुमने शॉर्ट फॉर्म बनाया तो वो पीवीसी बनेगा, जो ये नहीं होता है, ये होता है। इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म हम इस वाले से नहीं बनाते हैं, इस वाले से बनाते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट। इसका यूज करते हैं ओरलॉन फाइबर बनाने में। ना बोलो क्या? ठीक है, नेक्स्ट। वही फाइबर, ओरलॉन फाइबर ही फाइबर होते हैं, जैसे आप कपड़े बनाने में यूज कर सकते हैं, ओरलॉन फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मजबूत फाइबर होते हैं, और फाइबर को फाइबर ही कहते हैं, अब क्या बोले हिंदी में। ठीक है, तो ओरलॉन फाइबर बनाने में हम लोग यूज करते हैं पेन का। ठीक है, लास्ट देखिए बच्चों, ये क्या है? ये टेट्रा है, एथिलीन। क्या है?
हमने इसके चारों एच हटा दिए और चार फ्लोरीन लगा दी। अब बोलो टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, इसका पॉलीमराइजेशन कराया। बन गया पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, इसी को कहते हैं टेफ्लॉन। बेटा बोलो, इसका यूज करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में और गैस किट बनाने में। बेटा बोलो, गैस किट और नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। हमें देखिए, आजकल देखिए रसोई में ऐसे ऐसे बर्तन आ गए हैं जिसमें एक बूंद तेल की डालो और पांच छह पराठे सेक लो। नॉन स्टिक कुकवेयर, पहले के जमाने में लोहे के तवे चलते थे, लोहे के तवे में बहुत तेल लगता था, बहुत घी लगता था, रोटी सोख लेती थी, पराठा सोख लेता था या जल जाता था। तो आजकल आ गए हैं नॉन स्टिक कुकवेयर, जरा सा एक बूंद तेल डालते हैं और कई सारे पराठे जो है हम लोग सेक लेते हैं। तो उसमें कोटिंग किसकी करते हैं? इसकी, टेफ्लॉन की। बोलो किसकी? कभी अपनी बाइक या अपनी कार सर्विस में डालने जाओ तो सर्विस वाले जो भैया होते पूछते हैं कि भैया टेफ्लॉन की कोटिंग कराओगे? क्यों भैया, उससे क्या होता है? तो मतलब से पूछा काय, सुअर उनको जानते ही नहीं, अब मत पूछना। भैया टेफ्लॉन की कोटिंग कराओगे? तो आम आदमी ने पूछा भैया इससे क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि टेफ्लॉन की कोटिंग करने से गाड़ी में बहुत शाइनिंग आ जाती है और धूल मिट्टी गाड़ी में चिपकती नहीं है। वो टेफ्लॉन की कोटिंग भी किसकी होती है? इसकी। कराना मत, क्यों? दो दिन चलती है, तीसरे दिन फिर वही काम। बेफालतू में 1,000-2,000 रुपए बोलो ले लेते, लूटने का नया बहाना। इससे अच्छा ये है कि सुबह सुबह सूखा कपड़ा लो, 10-15 मिनट अपनी एक्सरसाइज भी हो गई और अपनी गाड़ी भी चमक। दो पंथ एक।